ये मेरी गणपति बप्पा। हमारे लिए स्पेशल शो हो रहा है इधर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। ये मेरी गणपति बप्पा बैठी हुई है। ये मेरा लास्ट व्लॉग रहेगा गणपति बप्पा वाला। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ हॉरर शो देखने के लिए। ये सभी को नहीं लेके जा रही, जैसे उसकी स्माइल है, तुमको आना है मेरे साथ। स्माइल तो गाइस ऐसा दे रही है जैसे कि मैं उसको देख के चली जाऊँ। देखो भागी भागी भागी। तो मैं बस अभी फिलहाल रेडी हो चुकी हूँ और ये वीहू मेरे वीडियो में आते हुए अपने दांत दिखाते हुए, उसके दांत आ चुके ना, फिर दांत दिखाती लेती है बाल बाल क्यूटी पाई। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ हॉरर शो देखने। बस हमारे वलसाड में 6 से 7 हॉरर शो थे और बहुत सारे डेंजर वाले थे। जैसे कि सब्जी मार्केट वाला था, वो बहुत ज्यादा डेंजर था, तो मेरा देखना बाकी था। मैंने सोचा कि चलो वो देख लेती हूँ, चलो बस चलते हैं देखते हैं हॉरर शो। और उसको देखो, गोलू पोलू को, गोलू पोलू बबू मोल यू डांस कर लो। ढिंगी टिक्की ढिंगी टिक्की ढिंगी टिक्की ढिंगी टिक्की डिंग 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 ढिंगी चिक्की ढिंगी चिक्की ढिंगी टिक्की ढिंगी टिक्की। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ हॉरर प्लेस के लोकेशन पे। तो अभी बस कुछ ही देर में शो स्टार्ट होगा, तब हम देखेंगे हॉरर शो। ये वाले हॉरर शो में एक बंदा है जिसको मैं जानती हूँ, जो कि भूत बना है। तो उससे मिलेंगे बिहाइंड द सीन, नहीं बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द सीन, जो भी आप समझो। तो हम भूत को देखेंगे। गाइस यहाँ पे शो खत्म हो गया, हम लोग लेट आए तो अभी हो नहीं रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक फ्रेंड है जो अंदर मतलब भूत बना है, तो हम उससे मिलते हैं और देखो कैसा लगता है। तो गाइस ये है, कौन मुझे बताना, पहचानो कौन है, ये कमेंट करना है, ये कौन लग रहा है, लग रही है आपको। परफॉर्म करो परफॉर्म। मैं हॉट लग रही हूँ यानी, वो बताना थोड़ा सा। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द फेस। 3 2 1 ओह माय गॉड, ये तो व्लॉगर है। गाइस कमेंट करके बताना कि सौरव की चाल कैसी है। हमारे लिए स्पेशल शो हो रहा है इधर। तो गाइस हमारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है कि फिर से पब्लिक हो गई, शो स्टार्ट होने वाला है। अब हम सौरव की असली अदा देखेंगे। आपको पता चल गया सौरव कौन है, तो बस फटाफट देखते हैं हॉरर शो। बहुत अच्छा लगा, मैंने 4 शो देखे, तुम लोग का बहुत स्कैरी था। गाइस अभी हम लोग दूसरे हॉरर शो में जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरावना है। शायद आगे खड़े रहेंगे क्योंकि एकदम आगे नंबर आया है। आज रात कुछ भी हो, पीछे मत हटना। पता नहीं वो अवशेष क्या कर सकता है, और वो शैतान भी कुछ भी कर सकता है। God, here we go.
तुम जो भी हो, तुम्हारे आने की जो भी वजह, तुम गॉड के घर में हो और वो तुम्हें देख रहे हैं। फाइनली गाइस मैं घर पे आ चुकी हूँ। लिटरली इतना ज्यादा मजा आया ना हॉरर शो में कि क्या ही बोलूं। जो पहला वाला हॉरर शो ना वो बहुत ज्यादा डरावना था, मतलब अचानक से सब भूत आ गए थे, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक था। एंड दूसरा वाला देखा वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक था, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया। अब इसी के साथ पे हमारा फेस्टिवल खत्म हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा है बट क्या करे, टाइम तो पास हो ही जाता है। अब आएगा नवरात्रि, वो भी बहुत ज्यादा मजा आएगी। उसके बाद आएगी दिवाली, फिर त्योहार। तो फिर चलिए गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बोलो गणपति बप्पा मोरया।